खबर छपरा बिहार से, जहां आज कई आईटीआई संस्था छपरा जिला में खुल चुकी हैं और बड़े पैमाने पर वहां से छात्र प्रशिक्षण भी ले रहे हैं। लेकिन सूरत सांवरिया आईटीआई एक ऐसी संस्था है जहां से प्रशिक्षण लेने के बाद अभ्यर्थी सरकारी और गैर सरकारी कंपनियों में कार्यरत है। आपको बता दें भिंदी थाना क्षेत्र के कई गाँव जहाँ से सूरत सांवरिया आईटीआई से प्रशिक्षण ले चुके छात्र आज बड़ी कंपनियों में कार्यरत है, जिसमे भीमा बांध नारायणपुर भिंदी गांव के कई छात्र ऐसे मिले जो सूरत सांवरिया आईटीआई से प्रशिक्षण प्राप्त कर बड़ी कंपनियों में कार्यरत है। छात्रों से जब सूरत सांवरिया आईटीआई से प्रशिक्षण को लेकर बात की गई तो छात्रों ने क्या कुछ कहा, देखिए यह रिपोर्ट। चलो गांव की ओर, सूरत सांवरिया का यह मुहिम जो है, यह मुहिम इसलिए कह सकते हैं कि सूरत सांवरिया एक एपिसोड चला रहा है, उसको लेकर पहले एपिसोड में हम लोग अमनौर के कुछ गाँव में गए थे, वहीं आज जो है भिंदी की ओर जाने का मुहिम बना है। इस मुहिम के तहत किन किन गाँव में जाया जाएगा इसको लेकर यहाँ के एक यहाँ जो काम कर रहे हैं उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम अजय कुमार सिंह हुआ। आप यहाँ किस पद पर अभी वर्तमान में? मैं वर्तमान में अभी ड्राइंग अनुदेशक के पोस्ट पर हूँ। अच्छा अजय जी, बताया जाए जो मुहिम चल रहा है, 10 एपिसोड दिखाने की बातें हुई हैं, आज इस मुहिम का दूसरा एपिसोड है, यहाँ इस एपिसोड में आज कहाँ कहाँ जाना होगा? देखिए मुहिम जो हम लोग चला रहे हैं इस आईटीआई के संस्थान की तरफ से, जो मुहिम चल रहा है बहुत सुंदर चल रहा है, और हम यहाँ से मतलब कि जो भी यहाँ से भिंदी के किस यहाँ से जो भी मुहिम लेकर हम लोग चलेंगे भिंदी प्रखंड में, भिंदी गाँव के मतलब दूर दराज अगल बगल के जो गाँव हैं वहाँ पर हम लोग टेकअप करेंगे, जैसे कि आपको पचुरुकी हो गया, बचलक हो गया, इसका भीमा बांध हो गया, तिरोजपुर नारायणपुर है, वहाँ पर भी जो भी लड़के मेरे स्टूडेंट हैं 12, 14, 11, 13 के स्टूडेंट हैं उनसे हम लोग संपर्क करेंगे, जो कार्यरत हैं नौकरी में या बैठे हुए हैं, चाहे जो भी हो, प्राइवेट जॉब में हो चाहे सरकारी जॉब में हो, वहाँ से हम लोग संपर्क करेंगे और वहाँ से हम लोग को मुहिम को आगे की रास्ता बताएंगे। और कितने लड़के भिंदी क्षेत्र में वहाँ से प्रशिक्षण लिए हैं? लगभग शुरुआत जो हम लोग 11-13 जो सेशन हम लोग स्टार्ट किए हैं वो वहाँ भिंदी गांव से लगभग मतलब कि 17-18 वो लड़के वहाँ से मतलब कि अवेलेबल वहाँ पर हैं, और वहाँ से हम लोग संपर्क करेंगे और लड़के ही हम लोगों को आगे की रास्ता भी दिखाएंगे, क्या बातचीत करने में अपने मालूम हो जाएगा हम लोग का कि कैसा मुहिम चल रहा है, ये सब से लड़का भी प्रभावित होता है और एडमिशन के लिए भी वही सब लड़के आगे बढ़ेंगे और हम लोग आईटीआई की तरफ से उन लोगों का धन्यवाद रहेगा। अभी मैं अजय जी से बात कर रहा था, और भिंदी के कई गांव का भी दौरा किया जाएगा, पचरुकी, भीमा बांध, तो आइए चलते हैं आज की मुहिम में, देखा जाएगा कि कितने लड़के जो हैं सूरत सांवरिया आईटीआई से प्रशिक्षण करके 11 से और अभी तक जो लड़के मिलेंगे प्रयास किया जाएगा उनसे बात करने का, तो आइए चलते हैं इस आज के एपिसोड में भिंदी। 2011-13 बैच बताया जा रहा है, अभी एक अभ्यर्थी सामने है, आइए बात करते हैं उनसे और पता लगाते हैं कि वहाँ से आईटीआई करने के बाद वह कहाँ कार्यरत हैं और कितना फ़ायदा मिला सूरत सांवरिया आईटीआई से प्रशिक्षण लेने पर। क्या नाम पड़ेगा आपका? अभिषेक कुमार। कहाँ से आईटीआई किए हैं? अमनौर से, सूरत सांवरिया। किस बैच में किए हैं? 14 से 16 में। क्या ट्रेड था आपका? इलेक्ट्रीशियन। उस समय कितना पैसा लगा था, सही बताइएगा? पैसा ज़्यादा नहीं लगा था। फ़ायदा मिला वहाँ से आईटीआई करने? जी जी। अभी आप कहाँ कार्यरत हैं? अभी मैं जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट में हूँ। उसमें क्या क्या पद है? इलेक्ट्रीशियन है, सीनियर इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से? जी जी। उस समय के परिवेश में जिस तरह से वहाँ प्रशिक्षण दिया जाता था वहाँ के शिक्षकों द्वारा, क्या उससे संतुष्ट थे आप? जी जी, बहुत अच्छा सिखाया जाता था। आपके साथ कितने लड़के इस गाँव से मौजूद थे? मेरे साथ तो 5-6 आदमी रहते थे। किस गांव से आप रहने वाले हैं? भिंदी गांव में। अभी जो है, अभी के परिवेश में यह आईटीआई करने के बाद क्या लगता है कि आपको कारगर साबित हुआ? जी, आईटीआई करने से कोई फ़ायदा मिल पाया? जी जी, मिला है। जॉब करते हैं, आईटीआई किए हैं, उसके बाद तुरंत जॉब लग गया, काम सीखते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि सर्टिफिकेट खरीदा गया, सर्टिफिकेट नहीं, कोई वैल्यूएशन नहीं जाएगा ही नहीं तो क्या पड़ेगा। हम लोग गए, ट्रेनिंग लिए, उसके बाद तुरंत जॉब करने लगे, इंटरव्यू दिए, जॉब हो गया। अभी नए पीढ़ी जो है जो मैट्रिक पास करके इंटर में जा रहे हैं, उनको क्या कहेंगे अगर आईटीआई अगर करना हो तो यहाँ के लिए कौन सबसे उपयोगी संस्था आप देख सकते हैं आपके मायने? सूरत सांवरिया बढ़िया संस्था है,
अच्छा पढ़ाई होता है अगल बगल और भी संस्थाएं हैं क्या, उससे वह बेटर है कि ना? बेटर है, बेटर है, उससे अच्छा हर चीज़ का प्रशिक्षण बढ़िया से होता है। क्या नाम पड़ेगा आपका? अभिषेक कुमार। पिता का नाम? हरिंदर सिंह। अभी मैं अभिषेक जी से बात कर रहा था, हर पहलू पे बात हुई है और सूरज सवरिया ITI से प्रशिक्षण लिए हैं और प्राइवेट कंपनी में कार्यरत भी हैं, यह काफ़ी खुशी की बात है। और इनके द्वारा भी कहा गया है कि पूर्ण रूप से संतुष्ट है, वहाँ से सर्टिफिकेट मिलने पर इनको अच्छा जॉब मिला है। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं, उनके भी बच्चे वहाँ से ITI किए हैं, क्या मिला है जी? क्या नाम पड़ेगा सर आपका? ओम प्रकाश सिंह। कहाँ घर है आपका? बगल में ही घर है, दिल्ली में। आपके बच्चे वहाँ से ITI? जय की कुमार। क्या लग रहा है, ITI करने से कुछ फायदा हुआ है? फायदा मिल सकता है? ना, फायदा हुआ है और फायदा मिलेगा भी जी। अभी तक जॉब में है कि नहीं? ना, अभी प्राइवेट फर्म में जॉब। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नितेश कुमार सिंह है सर जी। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार में? बिहार में छपरा जिला जी। ऐसा पता चला है कि आप सूरज सवरिया ITI से प्रशिक्षण लिए थे जी सर। क्या सेशन था आपका? क्या सेशन था? 12-14 सेशन था सर। क्या सब्जेक्ट था प्रशिक्षण? किस ट्रेड से लिए थे? इलेक्ट्रिशियन था सर। अभी आप कहाँ कार्यरत हैं? ये अभी सर ये गुड़गांव में है सर। क्या कहेंगे सूरज सवरिया ITI संस्था के लेकर, वहाँ से आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया और अभी आप कंपनी में नौकरी में हैं, क्या कहेंगे? मेरे तो सर कहना है कि वहाँ का सर संस्थापन सर बहुत अच्छा है, वहाँ का जो भी पढ़ाई हुआ है, जो भी वहाँ का सर व्यवस्थापक थे और वहाँ के पप्पू सर थे, वहाँ का प्रशिक्षण जो मिला हमको बहुत आगे तक उन्नति मिला वहाँ से प्रशिक्षण लेने से। फिर वहीं तो बदौलत यहाँ पे सर हम जब कर रहे हैं, यहाँ तक पहुँचे हम। चेहरे पे काफी खुशी दिख रही है कि बिहार से डायरेक्ट आपसे बात हो रही है। जी जी जी। कितने दिनों से काम कर रहे हैं? ये तो सर लगभग 5 साल हो गया पूरा जब करते हुए। क्या कहेंगे और सारण के युवाओं को जो मैट्रिक इंटर किए हैं, अगर प्रशिक्षण लेना हो तो किस ITI में जाएं? युवाओं को तो बोलेंगे सर वो नजदीक है, अपने ग्रामीण क्षेत्र में नजदीक है, अच्छा वहाँ पे प्रशिक्षण होता है सर, वहाँ करा ले सूरज सवरिया में। हमने ब्लॉक सूरज सवरिया में एडमिशन कराए और अच्छा से अच्छा जानकारी ले, शिक्षा प्राप्त करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद नेशनल खबर 9 से बात करने के लिए। ITI से बहुत से बच्चे प्रशिक्षण लिए हैं, इसी क्रम में अभी हम पचरुखी में आए। अब पचरुखी में एक अभ्यर्थी से मुलाकात हुई है, हालांकि उसके पिता अभी घर गए हुए हैं, वह दुकान संभाल रहा और कहाँ कार्यरत है, आइए विशेष रूप से उसे बात करते हैं। क्या नाम पड़ेगा? राहुल कुमार शर्मा। किस संस्था से ITI किए थे और क्या सेशन था आपका? इलेक्ट्रीशियन से किए थे और 15-17 क्या लगता है वह जो ITI ग्रामीण प्रवेश में है, कैसा ITI अच्छा है? कैंपस सिलेक्शन, पढ़ाई है, सब अच्छा होता है। हम लोग 2 साल क्लास किए, चाहे कुछ मतलब जो भी है, मतलब अच्छा है, हम लोग को नॉलेज अच्छा मिलेगा। प्रैक्टिकल वगैरह किस तरह से दिया जाता है? थ्योरी वगैरह? थ्योरी भी, प्रैक्टिकल भी, सर लोग भी बहुत हेल्प करते थे, मतलब ड्राइंग हो गया, थ्योरी हो गया, सब में सर लोग भी बताते थे कैसे करना है, नहीं करना है, सब चीज़ सर लोग मतलब अच्छे हैं सारा कोई। मतलब वहाँ से प्रशिक्षण लेने के बाद कहीं आप जॉब में थे? अप्रेंटिस करने चले गए थे टाटा मोटर्स में, वहाँ 1 साल अप्रेंटिस किए, एक्सपीरियंस भी मिला, उसके बाद वहाँ से आके दिल्ली बिल्डकॉन लिमिटेड कंपनी में काम भी कर रहे थे अभी तक। इस कोरोना काल में वापस आए थे क्या? नहीं, कोरोना काल के बाद ही जाके ज्वाइन किए थे, अभी थोड़ा सा घर पे थोड़ा सा वर्क कुछ काम हो गया, काम को ऐसे आया छुट्टी लेके। क्या आपका नाम क्या है? श्री रमेश शर्मा। कहाँ घर पड़ेगा आपका? भीमा बांध। यह कहाँ पे मौजूद है? ये तो पचरुखी में है। कौन सा पंचायत पड़ेगा? पचरुखी। क्या कहना चाहते हैं, अगर कोई नया युवा अगर मैट्रिक या इंटर करके ITI करना चाहेगा तो उसे किस ITI में आपके द्वारा बताया जाएगा? हम जो जहाँ किए ITI वहीं बताएंगे जो उस हिसाब से, बाकी और भी ITI है उससे तो मतलब बहुत अच्छा है, जो भी है मतलब आस पास का है और
आपका बोलने का मतलब, या सर लोग हैं सब अच्छे हैं वहाँ, अच्छा तरीका से प्रशिक्षण दिया जाता है, खुश हैं इससे? बहुत खुश है सर, ताकि हम लोग का उसमें अच्छा, सर लोग भी बहुत हेल्प करते थे, एग्जाम हो गया चाहे कुछ भी हो गया सब में बताते थे कैसे करना है नहीं करना है, मतलब कौन क्वेश्चन आएगा क्या है, वो लोग पहले से ही बताते थे, ड्रॉइंग भी बताता था लोग तो बनाने के लिए। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा राहुल कुमार शर्मा। अभी राहुल कुमार शर्मा जी से बात कर रहा था, जो कि पचरुखी से हैं और यहाँ इनका दुकान भी है। इनका भी कहना है कि सूरतवरिया आईटीआई प्रशिक्षण का अच्छा केंद्र है। चलिए, और दूसरे एपिसोड के तहत सूरतवरिया आईटीआई से जो बच्चे प्रशिक्षण लिए हैं, आज इसी दौरान आज हम लोग हेल्दी के कई गाँव पचलख, पचरुखी, भीमावान, नारायणपुर वगैरह गाँव को टेकअप किया गया। वहाँ के बच्चे जो यहाँ इस संस्था से प्रशिक्षण ले चुके हैं, 11 से लेकर 17 18 तक के बैच के लड़कों से बात किया गया, उनके अभिभावकों से भी बात किया गया, काफ़ी प्रशंसा भी उनके द्वारा की गई। और डायरेक्ट फ़ोनों के द्वारा गुजरात महाराष्ट्र में भी जो बच्चे प्रशिक्षण लेके बड़ी कंपनियों में अपनी अहम भूमिका दिखा निभा रहे हैं, उनसे भी बात किया गया, ऑनलाइन उनसे डायरेक्ट बात करके वह वीडियो कॉलिंग के जरिए भी बात किया गया, और उनके द्वारा भी काफ़ी प्रशंसा किया गया सूरतवरिया आईटीआई संस्था से प्रशिक्षण को लेकर। तो आगे के तीसरे एपिसोड के तहत हमारा प्रयास रहेगा कुछ एक और गांव में जाने का, छपरा से मनोज कुमार सिंह की विशेष रिपोर्ट।